नक्सलियों ने झारखंड बिहार सीमावर्ती चकई थाना क्षेत्र के जमुई में हमला करके डर का माहौल पैदा कर दिया है। आपको बता दें कि इस हमले में नक्सलियों ने गोलीबारी कर एक ही परिवार के बाप और बेटे की हत्या कर दी। साथ ही नक्सलियों ने वारदात को अंजाम देने के बाद घटनास्थल पर एक पोस्टर भी छोड़ दिया। इधर घटना की सूचना मिलने पर जिले के कई थाने के प्रशासनिक अधिकारी स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुके हैं और वारदात को अंजाम देने वाली कुख्यात नक्सलियों की गिरफ्तारी को लेकर मामले की छानबीन में पुलिस जुट गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां नक्सलियों के हमले से एक ही परिवार के दो लोगों की जान चली गई है। नक्सलियों ने गोलीबारी करी थी जिसके बाद बेटे और पिता की मौत हो गई। मामले की छानबीन में लगातार पुलिस जुटी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वही इलाका है जहां पर नक्सलियों द्वारा गोलीबारी की गई। कुछ पांच लोग ऐसे बता रहे हैं, उनके द्वारा आया गया, मतलब गांव में आया, और जो अर्जुन हेम्ब्रम और जो चतुर हेम्ब्रम है, दोनों बाप बेटा हैं, दोनों को घर से बाहर निकाल करके गोली मार दिया पार्टी के नाम पे कि ये पार्टी के पार्टी के विरुद्ध मुखबिरी करते थे, तो इसी के आरोप लगा कर गोली मारा। जो गोली मारने का जैसा मतलब जो जानकारी प्राप्त हो रहा है, ये पूर्व में नक्सली सबसे जो जेल गए थे, जेल से निकलने के बाद उन्होंने एक गुट बनाया है और ये घटना घटित किया है। सर, कुछ दिन पूर्व यहाँ कथावर से सुन रहे हैं कि कार्बाइन वगैरह बरामद हुआ था, उसी से जोड़ा जा रहा है इसे? उगता नहीं है कुछ जानकारी, जो प्राप्त हुआ था, जो सूचना दाता था, तो लोग मतलब उसी से बता रहे हैं कि जो है उससे, लेकिन उसे चूँकि बगल में ही उसका दुकान है और घर जिसके घर से प्राप्त हुआ था उसके बगल में ही एकदम अगल बगल घर है, उसके लिए लगा बताया जा रहा है, लेकिन जो है पूरी सच्चाई इसमें अभी आनी है। बिहार में अभी भी कई